पार हुए संतों को ना सिद्धांत पे कुछ टुकड़े किए। कोलकाता की डॉक्टर विद्या के साथ निर्दयता के साथ अत्याचार किया और उसको भी मार दिया। मुग्र और मेवात जलता रहा, मणिपुर जलता रहा, केरल में भी हालत खराब है। भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा और हम लोग चुप बैठे हैं क्योंकि किसी के ऊपर भी हमला होता है हम लोग ये सोचते हैं कि ये ब्राह्मण के ऊपर होगा, ये क्षत्रिय के ऊपर होगा, ये वैश्य के ऊपर होगा, ये सेवक के ऊपर होगा, अब इसके ऊपर उठना पड़ेगा। मुसलमानों में बहुत जातियां हैं, सिया है, सुन्नी है, अंसारी है, लेकिन मुसलमानों के धर्म के ऊपर अगर बात उठती है तो सिर्फ मुसलमान बन जाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने जातियों को रहने दो, अब घर से बाहर निकलकर हम लोगों को हिंदू होने पर गर्व करना है बेटा। इसलिए कल हम दिल्ली में बैठे थे, दो तीन पत्रकार आए, बोले बाबा तुमने बयान दिया है कि प्रयागराज के कुंभ में गैर सनातनियों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। हमने कहा भाई साहब हमने क्या गलत कह दिया, मक्का मदीना में हमारे हिंदुओं की दुकानें लगाऊंगा। इतना ही भाईचारा बनाना है, वहां हमारे हिंदू भी तो गरीब है, उनकी मजाक के सामने लगा दे तब तो तुम लोगों की गलती है। इसलिए हम सुन लो काट छोड़कर, अब वो हिंदू नहीं है तो तुम छेड़ोगे, ये डर करके भाग जाएगा। मेरे पास लो, हमने हिंदुओं के लिए प्रण लिया है, अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। विचारक भी है, इसलिए भारत के हिंदू है